एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है तो बहुत यूनिक, लेकिन इसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ कॉबवेब पैनकेक्स। तो इन खूबसूरत से दिखने वाले पैनकेक्स को आज मैं दो फ्लेवर्स में तैयार करूँगी, चॉकलेट कॉबवेब पैनकेक्स और वनीला कॉबवेब पैनकेक्स। तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये और बहुत ही क्रंची होते हैं, तो इनका क्रंच सुनिए। लेकिन इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पैनकेक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैटर तैयार करना होगा, और बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, आधा कप पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर। और अब हम इन सबको अच्छे से छान लेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीनी को पीसने के बाद भी कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ गुठलियाँ रह जाती हैं, तो वो इस छन्नी में निकल आएंगी। और कई बार मैदे में और अपने कॉर्नफ्लावर में या फिर राइस फ्लावर में भी अगर कोई पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो वो भी छन्नी में निकल आएंगे। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं 2 अंडे, और अंडे डालने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगी 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप किसी भी न्यूट्रल फ्लेवर वाले रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी 2 छोटे चम्मच वेनिला एसेंस, और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इनको मिला लेना है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस बैटर को तैयार करने में आपको करीब 1 से 1.5 कप पानी लग सकता है, तो आपने बहुत पतला बैटर भी तैयार नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप डोसे का बैटर तैयार करते हैं, करीबन उसी तरह का बैटर आपने बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारा बैटर। अब मैं इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ 2 बोल्स में इनको बराबर बांट लिया है, और अब 1 पोर्शन में मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई लंप नहीं रहना चाहिए, और थोड़ा सा पानी डाल लें अगर ये थोड़ा थिक हो जाए तो। और देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो हमारे दोनों बैटर यहाँ पे तैयार है। अब मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है और ले लिया है ये पाइपिंग कोन। इसको मैं इस ग्लास में एडजस्ट करके रख दूँगी। इससे क्या होता है कि बैटर भरने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको इस तरह से मैंने इसमें प्लेस कर लिया है ग्लास के अंदर, और अब मैं तैयार किए हुए वनीला बैटर को इसमें डाल दूँगी। कोई लंप नहीं होना चाहिए आपके बैटर में, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अब मैं इसमें एक नॉट लगा दूंगी, ताकि जो बैटर है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो ये बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह से मैं चॉकलेट बैटर को भी तैयार कर लूँगी। इसको भी मैंने पैकिंग बैग में भर लिया है, इसमें भी एक नॉट लगा दूँगी। तो ये हमारे दोनों कोन्स बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, अब हम अपने पैनकेक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वनीला कॉबवेब पैनकेक्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है, और अब मैं कोन के टिप को थोड़ा सा काट दूंगी। बहुत मोटा नहीं काटना है आपने, पैन गर्म है। तो चलिए, पैनकेक बना लेते हैं। आपने एक जाले का डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बनाइए, जैसे जलेबी बनाते हैं या फिर जैसे वेब बनाते हैं जाला, उसी तरह से पैटर्न बनाकर आपने तैयार करना है। इसको करीब हम 2 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और फिर एक साइड से लिफ्ट करके इसको आखिरी तक हम रोल कर लेंगे। बहुत ही जेंटली आपने इसे एक साइड से लिफ्ट करके आखिरी तक रोल करते हुए ले जाना है, कुछ इस तरह से। और जब ये पूरा रोल हो जाए, तो हल्के से इसको प्रेशर देते हुए आपने सील कर देना है। तो देखिए, ये हमारा वनीला कॉबवेब पैनकेक बनकर बिल्कुल तैयार है। है ना इसको बनाना कितना आसान, और दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से मैं बाकी वनीला कॉबवेब पैनकेक्स भी बनाकर तैयार कर लूँगी। बस एक ही बात का आपने ध्यान रखना है कि इनको 2 मिनट तक आपने एकदम लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और फिर जेंटली रोल करते हुए आखिरी तक ले जाना है, और फिर हल्का सा प्रेशर देते इनको सील कर देना है। तो चलिए, इसी तरह से हम चॉकलेट कॉबवेब पैनकेक्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने वनीला कॉबवेब पैनकेक बनाकर तैयार किया, ठीक उसी तरह से हमने चॉकलेट कॉबवेब पैनकेक भी बनाकर तैयार करना है। और ये खाने में बहुत ही क्रंची और डिलीशियस होते हैं। तो देखिए, ये हमारे सारे वनीला कॉबवेब पैनकेक्स और चॉकलेट कॉबवेब पैनकेक्स दोनों बनकर तैयार हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये पैनकेक्स और ज़्यादा क्रिस्पी हों और देर तक क्रिस्पी रहें, तो आपने क्या करना है, अवन में इनको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक कर लेना है। तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्प रहेंगे, और आप इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके करीब 1 महीने तक रख सकते हैं। लेकिन पहले इनको ठंडा करके फिर आपने इनको स्टोर करना है। तो देखिए, ये हमारे सारे पैनकेक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इन्हें एक सर्विंग ट्रे में अरेंज कर लूँगी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए ये।
और इन पैनकेक्स को आप चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कीजिए। बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद आता है, मुझे तो ये बेहद पसंद है। तो चलिए मैं इसे फटाफट टेस्ट कर लेती हूँ। इसका क्रंच सुनिए, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये सुपर क्रंची एंड सुपर डिलीशियस। तो आज ये कॉकरेट पैनकेक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय।